नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। इस समय की जो लाइव तस्वीरें आप वार्ड नंबर 23 से देख रहे हैं, जहां पर जो पार्षद पद के उम्मीदवार लिल्लू सैनी हैं, उनका एक कार्यक्रम होता है जिसमें उनको लड्डुओं के द्वारा तोला जाता है। मैं आपको बता दूं, लिल्लू सैनी का सीधे तौर पर यह कहना है कि चुनाव प्रचार प्रसार मुझे करना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वार्ड के वासियों का जिस प्रकार से प्यार मिल रहा है, उनका कहना है कि एक तरफा जीत का माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया है वो वार्ड के वासियों का प्यार है, और जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर लिल्लू सैनी खरा उतरेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आ चुके हैं, और उनका सीधे तौर पर क्या कुछ कहना है इनसे बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं। छत्ती बिरादरी की तरफ से स्वागत करते हैं, और गांधी जी को भी स्वागत को कमल के फूल पर और मेरे चुनाव जीत साइकिल पर वोट देकर हम उनको बारी से बारी मतों से विजय बनाएंगे। आज ये हमारे बीच में आए, हम उनका प्रतिनिधि ग्राहियों से धन्यवाद करते हैं, और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को चेयरमैन के लिए कमल के फूल और एमसी कैंडिडेट के लिए मुझे अपने साइकिल के साथ प्रपोज देकर विजय बनाए। आप सभी इतनी हमारी सरकार में आप पहुंचे, मैं आपका यहाँ पहुंचने का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विश्वास दिलाती हूँ मेरी जीत आप सबकी जीत होगी, पूरी नारी जाति के पूरे समाज की जीत होगी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ आप लोगों की समस्या पहली कदम से सुलझाऊंगी, वादा करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों की सारी समस्याएं जो भी होंगी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। आज हमारे चंदाना गेट गली नंबर 2 में पूरे छत्ती बिरादरी के माताओं बहनों ने मुझे अपना समर्थन देकर अपना प्यार दिया है। मैं इनसे इनके प्यार पर खरा उतरूंगा और पूरे वार्ड में विकास की लहर आएगी और मैं काम करूंगा। मैं मेरे सभी वार्डवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 जून को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे MC की कमान दे, और फिर मुझे सरकार और भी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। मैं इसलिए सभी से दोबारा निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर रिकॉर्ड तौर मतों से मुझे विजय बनाए। फिर मैं दोबारा से यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आपके बेटे आपके भाई को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर विजय करवाए। आप पूरे वार्डवासियों की जीत होगी, पूरे कैथल की जीत होगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वार्ड नंबर 23 से हमारे लिल्लू भाई को बनाना है, साइकिल का बटन दबाना है और उसे जिताना है। उसने MC बनने से पहले भी बहुत काम किए हैं, उसको जिताने बहुत काम किए उसने, और बन के तो बहुत सारे काम किएगा। तो वार्ड का विकास करवा देंगे लिल्लू सैनी? हाँ जी, करवा देंगे। पक्का है? पक्का। जो भाई लिल्लू सैनी का कार्यक्रम हमारे वार्ड में चल रहा है वो उनके काम के आधार पर चल रहा है। इन्होंने वार्ड के अंदर इतने काम करवाए हैं, जैसे बच्चों की अप्रेंटिस, सफाई व्यवस्था को लेके, लाइट व्यवस्था को लेके। कहने का मतलब ये लड़का ना पूरे कैथल के अंदर, वार्ड 23 के अंदर तो इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कैथल के अंदर पूरे कहीं भी पूछते हो भाई लिल्लू सैनी रुका हुआ पड़ा है। कहने का मतलब भाई ये लड़का अगर MC बन जाता है, वैसे तो बनेगा ही क्योंकि पूरे वार्ड का पूरा सपोर्ट है, तो भाजपा पार्टी क्या पता इसे कोई ऐसा पद दे जिससे वार्ड का और ज़्यादा विकास कर सके। जैसे हमने सुना है भाई लिल्लू के माध्यम से कि वो वार्ड को एक मिनी कैथल बना देंगे। एक तो पूरा कैथल है, वार्ड 23 को एक मिनी कैथल बना देंगे, बहुत डेवलपमेंट, कहने का मतलब हमारे वार्ड को बना देंगे। जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? जीत के लिए हम 101% आश्वस्त हैं, क्योंकि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है जी। जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे वार्डवासी इतने मिलकर हर घर में से हमें नहीं लगता कोई रहता होगा। ये कहना चाहेंगे 23 वार्ड के वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके लिल्लू भाई को भारी मतों से विजय बनाए, और अपना सुरभी गर्ग को भी भारी से भारी मतों पे देके उसको विजय बनाए, ताकि चेयरमैन भी एक ही पार्टी का हो, ऊपर भी सरकार एक ही पार्टी की और नीचे भी, तो काम बिल्कुल बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से काम होंगे। ये पार्टी बिल्कुल ईमानदार पार्टी है और काम भरपूर होंगे।